नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। ये स्टॉक 174 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.43% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 45,188 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 69% है। बुक वैल्यू इसकी 95.30 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। सो बेसिकली फंडामेंटली वीडियो में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसके प्राइस ने 200 डीएमए को गोल्डन क्रॉस दिया है, डेथ क्रॉस देने के बाद फिर से गोल्डन क्रॉस दिया है। पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो मीडियम से नीचे है। ग्रॉस एंड प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने पहले भी इसकी एनालिसिस करी थी एंड तब ये मार्केट में साइडवेज घूम रहा था एंड उसको अंदाजा लगा के हमने देखा था कि ये शॉर्ट टर्म की एंट्री में हमें 200 के आसपास के टारगेट दे सकता है। तो अभी के लिए देखिए मार्केट में काफी करेक्शन आ चुकी है एंड उसके बाद ये काफी ज्यादा नीचे भी गिर चुका है स्टॉक। हालांकि अगर इसको जूम करके देखें तो ये अभी भी साइडवेज में है। और कब से है ये साइडवेज में? ये है लास्ट ईयर जून से साइडवेज में, तो लगभग लगभग 10 महीने हो चुके हैं, तो तब से साइडवेज में। एंड मुझे लगता है कि ये काफी तगड़े तरीके से रॉकेट लॉन्च हो करने की तैयारी कर रहा है। तो अभी के लिए देखें हम तो देखिए फिर से ये उसी रेंज में आ चुका है एंड एक बार इसका अगर हम रेंज की सेटिंग चेंज करके देखें तो वो थोड़ा वाइड हो जाएगा, तो रहने देते हैं अभी के लिए, देखते हैं बाद के लिए उसको। तो अभी के लिए देखें हम तो ये जो स्टॉक है अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके आया है एंड अपने सपोर्ट से भी ये सपोर्ट लेके वापस गया है। सो बेसिकली ये अभी ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है, सॉरी फॉर फॉर्मलिंग। तो अभी के लिए देखें तो एंट्री पॉइंट से देखें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन होती है। हालांकि अभी एंट्री को कंफर्म करने से पहले हम एक बार बीएससी पे चलेंगे। तो बीएससी पे देखिए यहाँ पे इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है एंड न्यूज एज सच कोई है नहीं जिसकी वजह से इसके प्राइस के अप या डाउन वो में किसी तरीके का हमें फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम शॉर्ट में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी हमें संभल के बनानी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे पॉइंट तो ओपन होता है जो यहाँ पे नहीं ले पाए थे और ये रैली जो इनको मिली थी छोटी सी उसके लिए पॉइंट डेफिनेटली ओपन होता है। एंड इस पॉइंट पे हम देखें अगर ज्यादा तो यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट भी मिला है एंड शॉर्टर्स ने शॉर्ट भी डेफिनेटली यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड इसको तोड़ने के लिए भी काफी वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम की बात करें तो थर्सडे को वॉल्यूम आया था 5-6 मिलियन के आसपास का एनएससी पे एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया था लगभग 5 मिलियन का एनएससी पे। तो देखिए वॉल्यूम भी कम हुआ है, तो अगर टेक्निकली बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं बनानी चाहिए। एक तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे है एंड दूसरा अगर ये निकल भी जाता है तो मुझे लगता है उसके बाद 177 इसकी जो रेजिस्टेंस है अभी करंट वो है 175 की। उसके बाद मुझे लगता है कि 177 पे एंड 178 पे अगेन इसको रेजिस्टेंस आएगी एंड उसके बाद फिर से मुझे लगता है कि 181 पे एंड 183 पे फिर से रेजिस्टेंस आएगी। या तो मार्केट अगर साथ देती है तो मुझे लगता है कि लाइव मार्केट को ध्यान में रख के एंट्री बनाई जा सकती है इसमें छोटे से रन के लिए, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे रिस्की रहेगी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री कभी भी नहीं बनाऊंगी एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे बना सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसका कंसोलिडेशन पीरियड कुछ ज्यादा ही हो गया है एंड हो सकता है कि अभी हमें काफी अच्छे मूव दे दे। तो मुझे लगता है कि 200 की मैं लेके चल रही हूँ कि 200 के मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने 2-2.5 महीने में बेसिकली 2-2.5 महीने 3 महीने तक काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी अभी काफी रहेगी क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी इलेक्शंस भी हैं, अमेरिका में भी इलेक्शन है, यहाँ पे भी इलेक्शन है इंडिया में भी एंड अमेरिका के इलेक्शंस का इंडिया में कैसे फर्क पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की जो मार्केट है उसको रेप्लीकेट करती है हमारी इंडियन मार्केट, मतलब उसके पीछे पीछे चलती है। अगर अमेरिका की मार्केट रेड में क्लोज हुई है तो 95% चांसेस है कि इंडियन मार्केट भी रेड में ही क्लोज होगी उस दिन, और अगर पिछले दिन अमेरिका की मार्केट ग्रीन में हुई है तो 95% चांसेस है कि इंडियन मार्केट भी ग्रीन में ही क्लोज देगी। तो वो सारी चीजें देखी जाती है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है कि हमें लाइव मार्केट पे नजर रखनी चाहिए, निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए, लास्ट डे के डाउ जोन्स S&P 500 एंड नेस्टेक के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि उन्होंने कैसे बिहेव किया था मार्केट में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री का ये रहा एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है कि 3 महीने तक मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं 190 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हो सकता है कि हमें दिखे
कि अगर कोई ऐसी ड्रास्टिक न्यूज नहीं आती है तो, और मैं 91-92 की वाइस की बात करी और वो बनता है लगभग लगभग 11% के आसपास, देने को तो एक दिन में भी दे सकता है, बट जिस तरीके की अभी मार्केट चल रही है मुझे थोड़ी सी उम्मीद करनी लग रही है। तो रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।